इन्वर्टर एसी में अपने को तीन जो है अलग अलग सेंसर्स रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं उन लोगों के जैक्स लगे हुए हैं। तो एक कॉइल सेंसर है, एक जो है डिस्चार्ज सेंसर है, एक जो है यहाँ पे एम्बियंट सेंसर है। ठीक है, अब एम्बियंट सेंसर जो रहता वो जो है अपने कॉइल के पीछे के साइड में लगा हुआ रहता, उसको एम्बियंट सेंसर बोलते हैं। तो अब ये जो है इन्वर्टर पीसीबी फिट करा हमें, ऑन करके चेक करना है। लास्ट टाइम जो है शॉर्ट सर्किट हो गया था। तो एम्बियंट सेंसर क्या करता, बाहर का जो वेदर का टेम्परेचर है वो चेक करके फैन मोटर की जो है स्पीड को कम ज़्यादा करता एम्बियंट सेंसर। उसके बाद एक सेंसर यहाँ पे रहता डिस्चार्ज के पाइप पे, जो कंप्रेसर से जो गैस निकल रही वो जो है सही से निकल रही नहीं निकल रही, यानी कि कुछ भी ब्लॉकेज है या फिर जो है प्रेशर कुछ भी कम हो रहा ज़्यादा हो रहा चेक करता। कम या ज़्यादा में जो है गैस लीकेज का या तो अपने को एरर दे देती जो है कंप्रेसर को रोक देती उस सूरत में, या फिर जो है पीसीबी अपनी है सिग्नल भेजने के बाद, या फिर जो है कुछ भी हाई प्रेशर हो जा रहा जो है सही से कंडेंसिंग नहीं होने की वजह से, तो उसमें भी जो है कंप्रेसर को रोक देता अपना वो सेंसर। और एक तीसरा सेंसर है यहाँ पे, तो ये जो सेंसर है अपना, जब ये गैस जो है कंडेंसर कॉइल में जाती जाने के वक्त में जो है इन्हें फ़ैन क्या करता उसकी हीटिंग निकालता। तो वो हीटिंग जो है सही से अगर बाहर निकल रही बोले तो ये जो है सेंसर डिटेक्ट करता, लेकिन अगर कुछ भी हीटिंग सही से नहीं निकल रही बोले तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर अप डाउन हो जाता, उसकी वजह से क्या होता अपने को फिर एरर आ जाता, ओवर हीटिंग का कुछ भी एरर दे देता या फिर कंडेंसर फैन का जो है एरर आके अपना कंप्रेसर ऑफ हो जाता। तो ये तीनों सेंसर हैं, तीनों के अलग अलग काम है।